नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24। मैं अभी फुलवारी नगर परिषद स्थित ब्लॉक में सूर्य मंदिर के पास तालाब के पास आया हूँ। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं जो अपने शारीरिक श्रम से तालाब का साफ सफाई कर रहे हैं। यहीं पर एक ग्रामीण है भीम पंडित जी, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कितने दिनों से यहाँ तालाब का साफ सफाई कर रहे हैं और इसमें आपका क्या योगदान है, बोला जाए सर। तालाब का साफ सफाई, जैसे अब हम लोग यहाँ के ग्रामीण हैं और हम लोग तो बचपन से ही यहाँ देख रहे हैं। करीब करीब हमारा एज करीब 45 वर्ष हो चुका है, उससे करीब करीब हम 35-35 साल से हम देख रहे हैं यहाँ। पहले तो घाट नहीं था, कच्चा था, तो उसी समय से हम लोग साफ सफाई व्यवस्था करते थे। तो उस समय घास वगैरह रहते थे, कुदारी से छीलते थे। अभी तो अब हो गया है कि यहाँ घाट बन चुका है, तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि कचरा वगैरह कुछ लोग पूजा पाठ वाला फेंकते हैं, उससे इसमें गंदगी फैल जाता है तालाब में। तो उसके लिए जो है कि साफ सफाई व्यवस्था हमारे नगर परिषद के द्वारा होता है, जो कि अभी पिछले एक महीना से लगा हुआ था यहाँ काम। अभी सफाई पूर्ण रूप से कम्प्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत अभी पेंटिंग वगैरह का जो काम था वो हमने अपने तरीके से, हमारे कराटे क्लब चलते हैं उसके माध्यम से कुछ बच्चे लोग हमारा पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, और हम लोग खुद ही लग के अभी सीढ़ी घाट का भी हमने ये पेंटिंग वगैरह कराया है, जो कि हमारा यहाँ दस लोग मेंबर हम लोग आपस में एक जगह बैठते हैं, हम लोग कलेक्शन करके हम लोग यहाँ पूजा पाठ के जो भी घाट का रंगाई पुताई हो हम लोग करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो छठ हिंदुओं का महान पर्व छठ व्रत हो रहा है, इस पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को इस बार इससे ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो पेंटिंग वगैरह जो है और यहाँ कुछ बच्चे लोग नशा के आदि हो चुके हैं, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पेंटिंग करें और नशा को छोड़े और पेंटिंग में डूबे वो लोग, जो कि पेंटिंग से आगे बढ़ने का ये जरिया है कि हम कहीं कोई भी कंपटीशन में भाग ले सके। और इस बार जो पेंटिंग हम लोग करवा रहे हैं उसमें कंपटीशन भी रखे हैं, जिससे जिनको अगर जो अच्छा पेंटिंग करेंगे उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे, फर्स्ट रख के शाम को सम्मानित करेंगे। यहाँ इस सर आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता हैं भीम पंडित जी, जो तालाब की काफ़ी साफ सफाई कर रहे हैं और यहाँ के नागरिकों को संदेश देना चाह रहे हैं कि नशा को छोड़िए और समाज के मुख्य धारा में से जुड़िए। खबरों के साथ बने रहें भारत न्यूज 24। धन्यवाद।